बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। एक ऐसी भयानक कहानी जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। कभी कभी वो हो जाता है जो किसी ने सोचा नहीं होता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अमल बेटा, तुम आज कॉलेज नहीं जाओगी? मौसम बहुत खराब है, वापसी पर बारिश हो गई तो घर आने में मुश्किल होगी, इसीलिए मत जाओ। सादिया उसे देखकर तफक्कुर से बोली, मम्मा अगर आज इम्पोर्टेंट टेस्ट ना होता तो मैं कभी ना जाती। आज सबने ही आना है, आप बस दुआ करें कि बारिश थम जाए। वो जल्दी जल्दी बोली और नाश्ता किए बिना उजलत में घर से निकल गई। सादिया ने उसकी खैरियत जानने की दुआ मांगी थी। अमल को नहीं मालूम था कि वो अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। वालिदैन की बात मानने में ही भलाई होती है। आज कॉलेज जाना अमल को बहुत महंगा पड़ने वाला था। ओहो, आज तो बहुत ही ख़राब मौसम है। मैं ऐसा करती हूँ, कॉलेज से छुट्टी ही कर लेती हूँ। माँ खिड़की से मौसम के तेवर देखकर सोचने लगी। वो परेशान हो चुकी थी। क्या हुआ अम्मी, परेशान लग रही हैं? वो कॉलेज जाने का इरादा तर्क करके बाहर आई तो मदीहा को परेशान देखकर पूछने लगी। परेशानी वाली ही तो बात है, एक तो इस मनहूस मारे माले के मकान ने भी इन्हीं दिनों की तारीख देनी थी। बारिश का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए जो सामान कल शिफ्ट करना था वो आज ही करना होगा। कल से शदीद बारिशें शुरू हो रही हैं। तुम जल्दी जल्दी सब कार्टन पैक करो, आज लाजमी ये काम होना चाहिए। वो उसे देख कर बरहमी से बोली, ठीक है अम्मी, आप परेशान ना हो, सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। वो उन्हें तसल्ली देकर बोली, मैं कॉलेज नहीं जा रही आज, आप बैठें मैं नाश्ता बना लाऊं। वो अदब से बोली और किचन में चली गई। पीछे वो उदासी से काम निपटाने के बारे में सोचने लगी। कॉलेज में आज सभी मौजूद थे। अच्छा हुआ था कि उसने छुट्टी नहीं की थी, मौसम की वजह से कॉलेज में जल्द छुट्टी दे दी गई। आसमान सुर्ख अंगारे जैसा हो रहा था। हवा की शिद्दत इतनी तेज थी कि इंसान खुद को हवा के साथ खींचता हुआ महसूस कर रहा था। वो 11:30 के करीब कॉलेज से निकल गई। रास्ते में अचानक उसे चक्कर आया, अगर वो दीवार का सहारा न लेती तो जमीन बोस हो जाती। उसने सिर्फ कल दोपहर का खाना खाया था। कल रात सादिया ने ज़बरदस्ती उसे खाना खाने को कहा था, मगर उसने उनसे छुप कर खाना वापस रख दिया था। आज भी वो जल्दी जल्दी में नाश्ता नहीं करके आई थी। उसका बीपी लो होने लगा, बमुश्किल वो चल रही थी। उसके होंठ जर्द पड़ गए, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने कुछ देर सामने वाले पार्क में बैठने का सोचा। वो पार्क हर वक्त खुला रहता था। वो बमुश्किल वहाँ जाकर एक बेंच पर बैठ गई। पार्क में इक्का दुक्का लोग थे, वो अपना सर थाम कर बैठ गई। वो परेशान थी कि घर कैसे जाए, भूख से तो उसकी जान निकल रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है? मर्दाना आवाज़ पर वो चौंकी। सर उठाकर देखा तो वहाँ कोई लड़का खड़ा था। वो लड़का उसे देखने लगा। अमल इस वक्त स्याह टाइट्स पर नीली शर्ट में मलबूस थी, दुपट्टा बेतरतीब गर्दन में झूल रहा था। भूख की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, क्या आप प्लीज़ मेरी मदद कर सकते हैं? उसने बमुश्किल कहा और अपने कॉलेज बैग की जिप से पैसे निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो मजीद भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, अब तो पेट भी दर्द हो रहा था। ठीक है, मैं आता हूँ, वो उसे गौर से देखकर बोला और फिर वहाँ से चला गया। अमल दिल में दुआ करने लगी कि वो जल्द अज जल्द आ जाए। थोड़ी देर बाद वो अमल को नज़र आया तो उसकी जान में जान आई। उसने उसके हाथ से सैंडविचेस और कोक पकड़ ली। वो लड़का उससे फासले पर बैठ गया। कुछ ही देर में बिना कुछ बोले उसने खाना ख़त्म किया। आपका शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की। क्या आप इस पार्क के गार्ड हैं? अक्सर आपको आते जाते यहाँ पर देखती हूँ, उसको देखकर पूछने लगी। खाली बोतल उसने बैग में रख दी और डिस्पोजेबल बर्तन डस्टबिन में फेंक दिए। जी नहीं, मैं चहलकदमी के लिए आता हूँ बस। आप गालिबन सामने वाले कॉलेज में पढ़ती हैं, क्या नाम है आपका? वो उसे देखते हुए पूछने लगा। उसकी मौजूदगी से अमल को अजीब सा एहसास होने लगा, गर्मी का एहसास। मेरा नाम अमल है और मैं सामने वाले कॉलेज में पढ़ती हूँ, आपका नाम क्या है?
अमल ने बताया, वो सबके साथ जल्द दोस्ती कर लेती थी। मेरा नाम जुलुद्दीन है, उसने अपना नाम बताया। अच्छा नाम है, मैं चलती हूँ, आपका बहुत एहसान है, आपकी वजह से मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया, वो मुस्कुरा कर कहती हुई वहाँ से उठकर चली गई। जुलुद्दीन ने फ़कत मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया था, अमल के जाते ही वो भी झाड़ियों में गुम हो गया। मदीहा और माहा ने सारा सामान पैक कर दिया था। एक ट्रक का इंतज़ाम करने के बाद उन्होंने सारा सामान अपने नए घर शिफ्ट कर लिया। ये घर उन्होंने ख़रीद लिया था। मदीहा ने अपने दूसरे मुल्क रहने वाले भाई से पैसे लिए थे, कुछ उनकी शादी के जेवर पड़े थे। जेवर बेचकर हासिल की गई रकम और भाई से ली गई रकम पर उन्हें 2.5 मरला डबल स्टोरी मकान मिल गया। ये इलाका उस इलाके से बहुत खूबसूरत था जहाँ वो पहले मुकीम थे। कुछ दिन तक माहा को अपने पुराने कॉलेज ही जाना था, इसके बाद उसके FA के इम्तहान थे। BA में दाखिला वो करीबी कॉलेज लेने का ही सोच चुकी थी। कुछ दिन बारिशें जारी रहीं, अमल कॉलेज न जा सकी। आज उसने कॉलेज जाने का इरादा किया था, कॉलेज में उसका अच्छा दिन गुजरता था। कॉलेज से वापसी पर उसे वही पार्क नजर आया। बेसाख्ता उसे वो दिन याद आया जब उसकी उस लड़के से मुलाकात हुई थी। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि उसे अपने सामने जुलुद्दीन नजर आया। वो बिदक कर पीछे हुई। आप? उसकी अचानक आमद पर वो हैरान रह गई। शायद आप मुझे ढूंढ रही थी, वो उसे देखते हुए बोला। नहीं, ऐसा तो नहीं, नादिम होकर उसने नफ़ी में सर हिलाया। ओह, फिर मुझे ऐसा लगा, या फिर शायद आप मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। जुलुद्दीन की बात पर वो मुस्कुरा दी। शुक्रिया अदा किया तो था उस दिन मैंने, वो मुस्कुरा कर बोली। लेकिन सिर्फ शुक्रिया अदा किया था, एक अच्छे इंसान की निशानी यही है कि वो शुक्रिया अदा करते हुए दूसरे को तोहफा भी दे। जिसने उस पर एहसान किया है, वो शरारत से बोला। उसकी आंखों में देखते हुए अमल को अजीब सा लगा। अच्छा, क्या तोहफा चाहिए आपको? उसने चौंक कर पूछा। कुछ भी जो आप आसानी से दे सकें, कल सालगिरह भी है मेरी, उसने शाने उचका कर बताया। वो सड़क पर खड़ी होकर उससे बातें कर रही थी। अच्छा ठीक है, कल ये भी कर दूंगी, अभी चलती हूँ मैं, वो मुस्कुरा कर बोली और वहाँ से चली गई। जुलुद्दीन उसकी मुस्कुराहट में कहीं खो सा गया था। तुम्हारी तैयारी कैसी है पेपर्स की? मदीहा ने माहा से पूछा, जो इस वक्त किताबों में सर दिए बैठी थी। बहुत अच्छी तैयारी है, वो मुस्कुरा कर बोली। ठीक है, जैसे ही इंटर ख़त्म हो तुम दोपहर को कोई एकेडमी ज्वाइन कर लेना। घर लेने की वजह से अब इतने पैसे नहीं कि आराम से गुजारा होता रहे, वो उसे देखकर बोली। जी अम्मी, मैंने भी यही सोचा हुआ है, उसने इस्बात में सर हिलाया। तो फिर नंबर्स अच्छे ले लेना, तुम्हारी वजह से मैंने ये अलग घर लिया है, वरना मेरा इरादा अपने भाई के पास जाने को था। मदीहा की बात सुनकर उसके चेहरे पर उदासी आ गई। मेरे भाई के बेटे मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बहुत बोल्ड किस्म के हैं, ऊपर से तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं नहीं चाहती कि कोई तुम पर बुरी नज़र रखे, सो अब मैं तुम्हारी शादी करने के बाद ही अपने भाई के पास जाऊंगी। मदीहा की बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ठीक है अम्मी, उसने सआदत मंदी का मुजाहरा किया। अमल बाजार से कुछ ज़रूरी सामान का कहकर घर से निकल गई और वहाँ से जुलुद्दीन के लिए खूबसूरत सी रिस्ट वॉच ली और एक ब्रांड का परफ्यूम ले लिया। अब उसे कल ये जुलुद्दीन को देना था, वो उसे एक अच्छा लड़का लगा था, उसे सोचते हुए वो मुस्कुरा दी। अगले दिन का इंतज़ार इसीलिए मुश्किल था, उसने अच्छा सा सूट इस्तरी किया और फिर पढ़ाई करने के बाद सो गई। उसके फाइनल सेमेस्टर के पेपर्स शुरू होने वाले थे, वो BSc कर रही थी। गिफ्ट पैक करके उसने अगले दिन अपने कॉलेज बैग में रख लिया। वापस वो उसी पार्क में आ गई, वो उसे उसी बेंच पर बैठा नजर आया, इसके अलावा वहाँ कोई ना था। सालगिरह मुबारक हो आपको, उसने मुस्कुरा कर कहते हुए वो तोहफा उसकी जाने पढ़ाया। जुलुद्दीन मबहूत होकर उसे देखने लगा। जानती हो, ये इतना ख़ास तो नहीं होगा, पर मैंने दिल से आपके लिए ख़रीदा है, वो मुस्कुरा कर बोली। उसकी आंखों में देखते हुए जुलुद्दीन ने उससे तोहफा ले लिया। ये मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है अमल, वो गंभीर लहजे में खड़े होकर बोला। अपना नाम सुनकर अमल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। बहुत शुक्रिया, ये तोहफा मैं सारी उम्र संभाल कर रखूँगा, उसने मुस्कुरा कर कहते हुए अमल का सर हाथ थामा। अमल को उसका लम्स बुरा नहीं लगा, वो मुस्कुरा कर उसे देखने लगी। अच्छा,
उसने अब बेसाख्ता अपना हाथ खींचा। अब मैं चलती हूँ, देर हो गई है मुझे। वो खड़ी में वक्त देखकर तेज तेज कदम उठाती वहां से चली गई। उसे सब बहुत अजीब लग रहा था। जुलुद्दीन में न जाने ऐसी क्या कशिश थी कि वो खुद ब खुद उसकी जानिब खींचती चली जा रही थी। वो खुद परेशान थी। जुलुद्दीन ने मुस्कुरा कर उसके तोहफों को देखा और दोबारा झाड़ियों में गुम हो गया। उसके बाद जुलुद्दीन से उसकी रोज़ मुलाकात होने लगी। वो काफ़ी देर तक उस पार्क में जुलुद्दीन से बातें करती थी। उसे वो अच्छा लगने लगा था। आज भी मौसम काफ़ी ख़राब था। उसकी आज इम्पॉर्टेंट क्लास थी और दूसरी बात ये कि उसे जुलुद्दीन से भी मिलना था। इन वजूहात के बिना पर वो कॉलेज से छुट्टी न कर सकी। कॉलेज में जल्दी छुट्टी हो गई। उसने सादिया को मैसेज कर दिया कि वो एक दोस्त के घर जा रही है। इसके बाद वो पार्क में उसका इंतज़ार करने लगी। बारिश किसी भी वक्त हो सकती थी। वो जल्द अज जल्द उससे मिलना चाहती थी। इसी अस्ना में जुलुद्दीन उसके करीब आ गया। अमल, आ जाओ मेरे घर, बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, वो मौसम को देखते हुए बोला। मैं कैसे जा सकती हूँ, वैसे कहाँ है आपका घर, हिचकिचाते हुए उसने पूछा। उसे लगता था कि उसका घर दूर होगा। अरे घबराओ नहीं, इस पार्क के अकबी हिस्से में नहर के पास ही घर है मेरा, छोटा सा, जुलुद्दीन हंसकर बोला। अमल कुछ सोचने लगी। इसी अस्ना में बारिश के मोटे मोटे कतरे उस पर गिरने लगे। बारिश तो वाकई शुरू हो गई है, अब तो घर भी नहीं जा सकती, चलें फिर आपके घर चलते हैं, वो सोचकर बोली। और फिर जुलुद्दीन के हमरा उसके घर की जानिब चल पड़ी। उसे यहाँ आकर अजीब वहशत होने लगी। हालांकि ये घर इतना दूर ना था, यहाँ का माहौल अलग था। पुरसरार खामोशी और सिर्फ जुलुद्दीन का झोंपड़ी नुमा घर। उसने उससे कोई सवाल न किया और उस झोंपड़ी के अंदर आ गई जो दो कमरों पर मुश्तमिल थी। उसी में किचन था, उसी में बाथरूम। ये झोंपड़ी नई थी और आम घरों जैसी ही थी, मगर इसका डिज़ाइन झोंपड़ी नुमा था। बहुत प्यारा घर है, वो घर में दाखिल होते हुए बोली। जुलुद्दीन ने दरवाजे की कुंडी लगा ली। अमल ने अपना कॉलेज बैग सोफे पर रख दिया। वो इस वक्त स्याह जीन्स में सुर्ख खुले टॉप में मौजूद थी। छोटा सा दुपट्टा गले में ले रखा था। वो शुरू से ही बोल्ड लिबास पहनती थी। है तो प्यारा मगर छोटा है। सो बातें बाद में होंगी, पहले बताइए क्या खाना पसंद करेंगी आप। आज पहली बार मेरे घर आई हैं आप, मेरी तो किस्मत खुल गई, वो मुस्कुरा कर बोला। चाय पीऊँगी बस, अमल अदा से बोली। जो हुक्म आपका, चले फिर आप यहीं इंतज़ार करें, मैं आता हूँ। वो वहाँ से किचन में चला गया। अमल खिड़की के पास आ गई। वो इस वक्त उसके बेडरूम में थी। बाहर से उसे स्याह आसमान नज़र आ रहा था। बारिश बरस रही थी। वो जुलुद्दीन के बारे में सोचने लगी। वो उसे बहुत अच्छा लगता था। जब वो चाय बनाकर लाया तो वो उसकी जानिब मुतवज्जे हुई। ये ले मोहतरमा अपनी चाय, उसने ट्रे टेबल पर रखी। उसके साथ सोफे पर बैठ गई और दोनों चाय पीने लगे। बहुत अच्छी चाय बनाई है, बहुत शुक्रिया, वो चाय का कप वापस रखने के बाद तारीफ करते हुए बोली। शुक्रिया आपको पसंद आई, आपके आने से तो मेरे छोटे से घर में जैसे बहार आ गई है, जुलुद्दीन दिल से बोला। अमल को अचानक गर्मी का एहसास होने लगा। ऊपर से उसने जीन्स पहन रखी थी। उसने बेसाख्ता गर्दन से दुपट्टा हटाया। दुपट्टा उसकी झोली में जा गिरा। गहरे गले वाले टॉप में अब वो उसके सामने बैठी थी। जुलुद्दीन ने उसकी गर्दन को देखा जहाँ अब दुपट्टा नहीं था। क्या हुआ, वो अमल के चेहरे को देखते हुए बोला। कुछ नहीं, बस गर्मी लग रही है, ये जीन्स पहन ली है ना आज, बस इसीलिए, अमल ने बताया। अच्छा अमल, मैं आपसे एक ज़रूरी बात भी करना चाहता हूँ, उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा, उसे देखते हुए उसने तमहीद बांधी। बताइए क्या बात करनी है, उसने धड़कते दिल से पूछा। जुलुद्दीन ने चेहरा झुका लिया। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं दूसरे लड़कों की तरह नहीं हूँ, आपसे चुपकर मुलाकातें करूँ, मैं दिल से आपको अपना बनाना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है इस बारे में, उसने दिल से कहते हुए आखिर में अपना चेहरा उठाकर उसे देखा। अमल का चेहरा सुर्ख हो गया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं आपकी बात की कदर करती हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी कि आप जैसे इंसान से शादी करूँ, उसने भी चेहरा झुकाकर रजामंदी का इजहार किया। जुलुद्दीन ने उसका हाथ थाम लिया। अमल ने मुस्कुराकर सर उठाया। इसी अस्ना में बादल जोर से गरजे और बिजली कड़की। खौफजदा होकर अमल ने जल्दी से
उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। वो बचपन से ही इस मामले में डरपोक थी। जुलुद्दीन ने मुस्कुरा कर उसे अपने हिसार में ले लिया। थोड़ी देर बाद वो उससे दूर हो गई। मुआजरत, मैं बचपन से ही बादल के गरजने पर डर जाती हूँ। बारिश तो बहुत तेज़ है, मैं घर कैसे जाऊँगी? वो परेशान हो गई थी। मैं छोड़ाऊँगा, आप फिक्र न करें। मैं उसके अलावा भी आपसे एक बात करना चाहता हूँ, वो खड़ा होते हुए बोला। कीजिए। वो भी खड़ी हो गई। जुलुद्दीन चलता हुआ उसके करीब आया और उसके शानों से उसको थाम लिया। क्या आप हर हाल में मुझसे शादी करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए? उसने नादर सवाल पूछा। अमल ने अब्रू उचकाई। जी, कोई शक है आपको? मैं आपके सामने एक बात वाजे कर देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते की बुनियाद झूठ पर मबनी हो। आपको अपने दिल में सच सुनने की हिम्मत पैदा करनी है। वादा करें, सच जानने के बाद भी आप मुझसे शादी करेंगी और मुझसे दूर नहीं जाएंगी। वो उसके बाजू छोड़ कर बोला और फिर उसके खुले बालों में उंगलियां चलाने लगा। अनजाने खौफ के तहत अमल का दिल तेजी से धड़का। बता दें, मैं हर हाल में आपसे शादी करूंगी, वादा, और दूर नहीं जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। सच यह है कि मैं इंसान नहीं हूं, बल्कि एक जिनज़ादा हूं। वो संजीदगी से उसे देखता हुआ बताने लगा। अमल के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई और वो हंसने लगी। अच्छा, बहुत मजा आया। मुझे आप जिन के रूप में भी कबूल हैं। वो उसके मजीद करीब आई और तमाम फासले सिमेट कर उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हायल कर दिए। वो शुरू से ही बोल्ड रही थी। जुलुद्दीन को खुशगवार हैरत हुई कि अमल को कोई मसला नहीं था। वो खुरमी में उसकी कमर के गिर्द मजबूती से बाजू हायल कर चुका था। अमल उसकी आंखों में देख रही थी। उसके अंदर अजीब सी हलचल मचने लगी। यह एहसास इसीलिए था क्योंकि जुलुद्दीन का वजूद आग के शोले से बना था। जुलुद्दीन उसकी आंखों में देखते हुए उससे दूर हुआ। फिर अचानक उसने अपना रूप बदल लिया। अब वो अपने असल रूप में उसके पास था। जिनज़ादे के रूप में वो इतना खूबसूरत ना था। अमल की सिट्टी गुम हो गई। उसे लगा था वो मजाक कर रहा होगा, लेकिन ये तो वाकई जिनज़ादा था। अमल की सांस अटक गई। उसे लगा वो जिनज़ादा अब उसे मार देगा। जिनज़ादे ने उसे दोबारा अपने वजूद में भींच लिया। अमल खौफजदा सी होकर उसकी गिरफ्त में आ गई। इसी असना में अमल के फ़ोन पर कॉल आने लगी। शुक्र अदा करके वो उससे दूर हो गई। जुलुद्दीन दोबारा इंसानी रूप में आ गया। ममा की कॉल है, वो परेशान हो रही होंगी, मुझे जाना होगा, वो खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए बोली। बारिश तो रुक जाए फिर चली जाइएगा, वो उसे देखते हुए बोला। नहीं नहीं, ममा घर पर अकेली होती हैं, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं जा रही हूँ, वो जल्दी से बोली। फिर कब मुलाकात होगी, उसने पूछा। कल, वो तेज़ी से बोली और दुपट्टा उठाकर अपना बैग समेट कर वहाँ से निकल गई। वो तेज तेज भाग रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे नहीं पता था कि वो एक जिनज़ादे से मोहब्बत कर बैठी है। उसने सोच लिया था कि वो अब कभी जुलुद्दीन से नहीं मिलेगी। वो एक जिनज़ादे से शादी किस तरह कर सकती थी? उसे खुद पर गुस्सा आया क्योंकि वो एक मर्द के करीब चली गई थी, उससे फ्रैंक हो गई थी और बिना किसी रिश्ते के उसके घर चली गई थी। उसे अपने लिबास को देखा जो अब गीला होकर उसका जिस्म उरियां कर रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसी बोल्ड लिबास की वजह से कई मर्द उसकी जानिब मुतवज्जे होते थे और अब तो एक जिन ज़्यादा भी हो गया था। अगर उस जिन ज़्यादे को पता चल गया कि वो उससे दूर भाग गई है तो वो शायद उसे मार ही देगा। आज उसको अपनी गलती की वजह से बहुत बुरी तरह फंसने का एहसास हुआ। उसे अपनी फ्रैंक नेचर पर भी सख्त गुस्सा आया जिस वजह से वो मर्दों से भी बात करने से नहीं कतराती थी। उसे अपनी माँ की नसीहत याद आई। अब पछतावे का क्या फ़ायदा जब वक्त ही गुजर गया। उस दिन के बाद से जुलुद्दीन उसके इंतज़ार में पार्क में खड़ा होता था। वो हैरान था कि अमल यहाँ से रोज़ गुजरती थी मगर उसे देखती नहीं थी। हैरतअंगेज तौर पर वो अब शलवार कमीज पहनने लगी थी, दुपट्टा उसने सर पर लिया हुआ था। वो उससे बात करना चाहता था लेकिन उसके साथ न जाने कौन सी लड़की हुआ करती थी। एक हफ्ता यूं ही गुजर गया। उसके बगैर जुलुद्दीन का दिन उदास गुजरता था। बिलाखिर एक दिन वो उसे अकेली मिल ही गई। वो पार्क के करीब भी नहीं आती थी, इसीलिए उसे ही उसके करीब जाना पड़ा।
उसके अचानक आने पर वो चौंक गई। आप नाराज हैं मुझसे, उसने अफसुर्दगी से पूछा। मैं नाराज क्यों होंगी आपसे, मैं तो आपको जानती तक नहीं। वो हैरान हुई, उसके अनजान बनने पर उसे झटका लगा। देखें, मुझे नहीं पता आपको क्या हो गया है, लेकिन हम बैठकर बात कर सकते हैं, वो दोबारा बोला। अब उसके चेहरे पर हैरानी थी। देखिए मोहतरम, मेरा रास्ता छोड़ें, मैं नहीं जानती आपको, वो तैश में बोली और तेज तेज कदम उठाती वहां से चली गई। वो अपनी जगह दंग रह गया। इसके बाद यही होने लगा, वो अपनी उस दोस्त के साथ घर जाती। जब जुलुद्दीन उसे पुकारता तो वो उसे पहचानने से ही इनकार कर देती। नहीं जानती मैं आपको, समझ नहीं आता एक बार आपको, अजीब साइको आदमी हैं आप, इलाज करवाएं अपने दिमाग का, आइंदा मेरा रास्ता रोका तो हाथ उठ जाएगा मेरा। कहीं से भी उठकर आ जाते हैं गंदी जहनियत के मालिक लोग। आज उसने उससे बात करने की कोशिश की तो वो दोबारा भड़क कर बोली। अब जुलुद्दीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था, उसकी बहुत बेइज्जती हो चुकी थी, वो एक माह से उसके लिए ख्वार हो रहा था। उसने तो अनजानेपन की हद ही कर दी थी, वो उसे पहचान ही नहीं रही थी, उल्टा उससे बदतमीजी करती थी। उसे समझ आ गया था कि यकीनन वो इस बात पर उससे दूर हो गई थी कि वो एक जन ज़्यादा है। उसने उस दिन वादा किया था वो ये बात जानकर उससे दूर नहीं जाएगी। उसे उस लड़की पर सख्त गुस्सा आया, वो मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता था। उसने आज एक फैसला लिया और हवा में तहलील हुआ, उसका पीछा शुरू किया। वो उसका घर देख चुका था, अब उसे किसी तरह अमल को राज़ी करना था। अगर वो ना मानती तो उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करनी थी। वो अपने घर दोबारा चला गया। माहा, तुम्हारे ससुराल वाले जल्द शादी चाह रहे हैं, एक हफ्ता दिया है उन्होंने, उन्हें तुम्हारी शादी के बाद पढ़ने पर भी कोई एतराज़ नहीं, इसीलिए जल्दी शादी की तैयारियां करो, सादगी से ही सब होगा, अब अकेडमी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। भाई साहब ने बहुत पैसे भेज दिए हैं तुम्हारी शादी के लिए, मदिया ने उसे कहा तो वो इस्बात में सर हिला गई। उसे कोई एतराज़ ना था, वो अपनी माँ की हर बात माना करती थी। जल्दी शादी वो नहीं चाहती थी, मगर माँ की बात टाल नहीं सकती थी। एक हफ्ते में उसने शादी की तैयारियाँ की, आज उसका निकाह था। हमेशा खुश रहो और अपने घर में शाद व आबाद रहो, उसे देखते हुए मदीहा नम आँखों से बोली। उन्होंने उसे गले से लगा लिया, माहा की आँखों में आंसू थे। निकाह के बाद रुखसती की तैयारी हुई और वो अपने शौहर के घर चली गई। वो अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी, उसने बहुत से ख्वाब देख रखे थे कि उसका शौहर अच्छा होगा, लेकिन होश तब आया जब उसके शौहर ने पहली रात उसके मुंह पर थप्पड़ मारा कि वो जहेज इतना कम क्यों लाई थी। बहस के दौरान उसे तलाक हो गई, पहली ही रात वो तलाक याफ्ता कहलाएगी। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। पहले ही दिन की दुल्हन वापस अपने घर आ गई, उसका रो रो कर बुरा हाल था। मदीहा उसे तसल्लियाँ दे रही थी। दो माह बाद उन्होंने अपने भाई के पास लंदन जाना था, वो बहुत परेशान थी कि माह को कैसे लेकर जाएंगी। कुछ दिन सोग में गुजरे और मदीहा ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। लोग बहुत अच्छे थे और लड़का भी अच्छा था, उसका फौरी निकाह कर दिया गया। लेकिन शादी की रात माह को मालूम हुआ कि उसका शौहर शराबी और नशई था। नशे की हालत में उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी। उसका दिल मर गया था, उसे नहीं मालूम था कि ऐसा क्यों हो रहा था। उसका दिल हर चीज़ से उठ गया था, अब उसका शादी करने का भी दिल नहीं चाहता था। दो बार उसे तलाक हो चुकी थी, तीसरी शादी पर उसका शौहर जहनी मरीज निकला। उसे खुद ही शादी की रात उसे खुला लेना पड़ी। इस दौरान माहा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। जिंदगी ने ना जाने उसके साथ कैसा खेल खेला था। जल्द ही उसकी चौथी शादी हो गई, इस बार भी वो अपनी किस्मत पर खूब रोई। वो कमरे में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी, उसने अपने शौहर को देखा तक नहीं था। उसने सोच लिया था कि अब जैसा भी शौहर होगा वो ज़िंदगी गुजार लेगी, चाहे शराबी हो या नशई या फिर जहनी मरीज। मदीहा से खफा नजर आ रही थी, पता नहीं उसके बारे में क्या सोचती होंगी। कल उन्हें लंदन चले जाना था, माहा को छोड़कर वो जा रही थी। माहा वहीं बैठी अपनी किस्मत पर रोने लगी। इसी असना में उसका शौहर कमरे में दाखिल हुआ, उसे देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये तो वही आदमी था जो उसका रास्ता रोककर
उसे अमल कहा करता था। जुलुद्दीन से अमल की आखिरी मुलाकात तब हुई थी जब वो उसके घर गई थी। जब से उसे जुलुद्दीन की सच्चाई मालूम हुई थी, उसने कॉलेज आने जाने के लिए दूसरे रास्ते का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। यूं उसकी मुलाकात जुलुद्दीन से ना हो पाई। उसके पेपर्स ख़त्म हुए तो उसने सुख का सांस लिया। इसके बाद उसने सादिया से कहा कि वो सादिया में वापस जाना चाहती है। उनका अपना घर सादिया में था। सादिया को कोई एतराज़ ना था, सो उन्होंने फौरी वहाँ जाने का सोचा। उनका ख़ानदान वहीं पर था। कुछ दिन में वो किसी को बिना बताए वहाँ से सऊदी अरब निकल गए। अमल ने उस जनजाति के बारे में किसी को नहीं बताया था। उसे बस अपनी फिक्र लाहक हो गई थी कि कहीं वो उससे ज़बरदस्ती शादी ना कर ले और उसे जान से ना मार डाले। इसीलिए वो पाकिस्तान से दूर चली गई थी। उसके दिल में खौफ ने डेरा जमा लिया था। तुम यहाँ? मैं उसको देख कर हैरानी से बोली, मेरी चौथी शादी उसी जुलुद्दीन से हुई थी। अमल, अल्लाह के लिए अब तो मुझसे झूठ ना बोले। मैं जिन ज़्यादा हूँ मगर मैं आपके लिए इंसान बनने को तैयार हूँ, लेकिन एक बार तो आप मुझे कहें कि आप मेरी अमल ही हैं। वो मेरे करीब बैठते हुए बोला। मैं हैरान रह गई। मुझे लगा ये भी जहनी मरीज था। मुझे रोना आने लगा। वो एकदम अपने असल रूप में आ गया। उसने हाथ आगे किया तो उसके हाथ में फूलों वाला बुके था। वो दोबारा इंसानी रूप में आ गया। वो मेरी तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था। वो वाकई जिनजादा था। मैं इस बात पर ईमान ले आई। ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल करें। उसने बुके मेरे पास रखा। देखें, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, मैं अमल नहीं हूँ। मैंने कभी आपसे मुलाकात नहीं की थी। मेरा नाम माहा है। मैंने कभी अमल बनकर आपसे मुलाकात की ही नहीं। आप चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं इस बात सच बोल रही हूँ। मैं अपने मुँह से हमेशा सच कहती हूँ। मैं रोते हुए बोलने लगी। मुझे उससे डर भी नहीं लग रहा था। न जाने वो मुझे कौन सी अमल समझ रहा था। ये सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। मेरी शादी जिनजादे से हो चुकी थी। अपनी किस्मत पर मैं और कितना रोती। अचानक उस जिनजादे के चेहरे के तासुरात बदल गए। मैं आज रात अपनी दुनिया में रवाना हो रहा हूँ। अब मैं वो करने वाला हूँ जो बहुत भारी होगा। याद रखिएगा, अगर ये सब झूठ हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो मुझे देखकर सुर्ख आंखों से बोला और हवा में तहलील हो गया। पीछे मैं आंसू बहाती रही कि न जाने वो क्या करने वाला था। वो आंखों में नमी लिए अपनी दुनिया में वापस आ गया। सिर्फ उसके सरदार को मालूम था कि उसने इंसान से शादी कर ली है। उसके सरदार ने खफगी का इजहार किया था। उसका सरदार उसका सगा बाप था, सो उसको सजा ना मिली। वो अपने बाप के दरबार में हाजिर हुआ। उसके बाद सारा किस्सा उनके सामने रखा। ये लो वो जादुई आईना, इसमें तुम्हें सारी हकीकत पता चल जाएगी। अगर वो लड़की अमल ही हुई तो उसके झूठ पर तुम्हें उसे छोड़ना होगा। उन्होंने वो आईना उसकी तरफ बढ़ाया। जुलुद्दीन ने वो आईना उनसे लिया और आंखों को बंद कर लिया। तमाम मनाजिर उसके सामने चलने लगे। सब कुछ देखने के बाद उसने आंखें खोल ली। काफ़ी वक्त गुजर गया था। क्या देखा तुमने? सरदार ने पूछा। आकर बताऊंगा, वो उजलत में बोला और वहाँ से गायब हो गया। घर आया तो वहाँ बेड पर लेटी दुल्हन के लिबास में सो रही थी। आंसू उसके चेहरे पर खुश्क हो गए थे। शायद वो रोते रोते सोई थी। वो इंसानी रूप में आकर उसके करीब बैठ गया। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने माहा के साथ कितना गलत किया। वो सब सोचने लगा जो उसने आईने में देखा था। माहा और अमल सगी जुड़वा बहनें थीं। उनकी सगी माँ सादिया थी। सादिया ने सऊदी अरब में ही एक बच्ची को बेऔलाद औरत की झोली में दे दिया था। उसके बाद सादिया की कभी माहा से मुलाकात ना हो पाई थी। मदीहा माहा को लेकर पाकिस्तान आ गई थी। कुछ अरसे बाद अमल और सादिया भी यहीं आ गई, लेकिन ये चारों एक दूसरे की मौजूदगी से बेखबर थीं। जुलुद्दीन को अमल से मोहब्बत हुई थी। वो उसकी खूबसूरती से मुतासर हुआ था। वह हमेशा खुले बाल रखती थी और तंग लिबास पहनती थी, लेकिन उसका साथ जाने के बाद वो उससे दूर हो गई और हमेशा के लिए पाकिस्तान से चली गई। और वो बेचारी माहा को अमल समझता रहा, और अनजाने में उसने माहा को इतने दुख दिए। उसकी 3 बार तलाक करवा दी। माहा बहुत अच्छी लड़की थी। वो उसकी तरह बोल्ड ना थी। उसने आईने में देखा था कि अमल की शादी हो गई है। उसे अमल से नफरत महसूस हुई। उसे माहा अच्छी लग रही थी, जो अमल से पाक साफ थी। अमल को आईने में उसने गैर मर्दों से दोस्तियां करते देखा था। उसमें शर्म नहीं थी।
इसी वजह से उसे अमल से नफरत हो गई, जबकि माहा बहुत सुलझी हुई और अच्छी लड़की थी। उसका माजी साफ था, जबकि अमल का माजी अच्छा ना था। वो उसे देखने लगा, बेसाख्ता उसके माथे पर लब रख दिए। उसे मालूम था कि वो उससे नाराज होगी, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो सब ठीक कर देगा। वो माहा को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगा और उसके जख्मों को भर देगा। पहले उसने सोचा था कि वो अमल को सजा देगा, लेकिन फिर उसने देखा कि अमल अब काफ़ी बदल गई है, इसीलिए उसने उसे माफ़ कर दिया। अमल का माजी बुरा था, लेकिन वो हाल में अच्छी हो गई थी। आधी रात को मेरी आँख खुली तो मैंने जुलुद्दीन को अपने करीब लेटे पाया। वो सोया हुआ था। मैं उठी और जाकर कपड़े तब्दील किए। मैं सारी रात रोती रही थी। वो बुरे दिन आज भी मुझे याद हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जुलुद्दीन की मोहब्बत ने मेरे तमाम जख्मों को भर दिया। वो इंसान बन चुका था। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। अमल इस वक्त नमाज पढ़ रही थी। वो बहुत बदल गई थी। उसने सबक सीख लिया था कि कभी किसी गैर मर्द से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और हमेशा खुद को दूसरों की नज़र से बचा कर रखना चाहिए, यानी अच्छा लिबास पहनना चाहिए जिससे जिस्म नजर ना आए। उसकी गलतियों की वजह से वो तबाही की तरफ चली गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ था कि जुलुद्दीन ने उसे नहीं ढूंढा था। जुलुद्दीन बेशक अच्छा जिनजादा था, मगर वो अमल की ज़िंदगी में सिर्फ एक सबक लेकर आया था। इसी वजह से अमल की और उसकी शादी ना हो सकी थी। अगर उन दोनों की शादी हो जाती तो कभी अमल वो सबक ना सीख पाती। कुछ लोगों की मौजूदगी हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा सबक लाती है, और जब हमें सबक मिलता है तो हमारी ज़िंदगी में मौजूद नहीं होते। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुंच जाए, जैसे अमल की वजह से माहा को तकलीफ़ पहुंची थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।